जो लोग मुसलमान हैं या यहूदी या ईसाई या सितारा परस्त, यानी कोई शख्स किसी कौम और मजहब का हो, जो अल्लाह और रोज़े क़यामत पर ईमान लाएगा और अमल नेक करेगा, तो ऐसे लोगों को उनके अमाल का सिला अल्लाह के हाँ मिलेगा और क़यामत के दिन उनको न किसी तरह का खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। और जब हमने तुमसे अहद कर लिया और कोहे तूर को तुम पर उठा खड़ा किया और हुक्म दिया कि जो किताब हमने तुमको दी है उसको जोर से पकड़े रहो और जो उसमें लिखा है उसे याद रखो ताकि अजाब से महफूज रहो, फिर तुम उसके बाद अहद से फिर गए, सो अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी ना होती तो तुम खसारे में पड़ गए होते। और तुम उन लोगों को खूब जानते हो जो तुम में से हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने में हद से तजावुज कर गए थे, तो हमने उनसे कहा कि जलील और खार बंदर हो जाओ। और इस किस्से को उस वक्त के लोगों के लिए और जो उनके बाद आने वाले थे इबरत और परहेजगारों के लिए नसीहत बना दिया।